हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे फूड मैनेजमेंट से। फूड मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आती है, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, ओपन मार्केट स्कीम्स क्या होती है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फूड मैनेजमेंट की, कि फूड मैनेजमेंट होता क्या है। फूड मैनेजमेंट होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हमारे जो एनफ फूड होता है, जो सरप्लस फूड होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको बोलते हैं फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे वेज एंड मीन्स को फॉलो किया है, सो दैट कि हम अपने सरप्लस फूड को मैनेज कर सकें, प्रॉपरली स्टोर कर सकें। जब इंडिया WTO का मेंबर बना था, तो उसके बाद हमें ये बात फील हुई थी कि हमें अब सरप्लस फूड प्रोड्यूस करना है, और सो दैट कि हम वर्ल्ड लेवल पे बाकी की कंट्रीज़ के साथ कंपीट कर सके। और इसके साथ साथ अब 1991 में ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया था, तो उस टाइम पे हमें ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट लेना था और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को पहुँचाना था। तो इसीलिए उस टाइम पर फूड मैनेजमेंट की भी ज़रूरत थी। तो इसमें सबसे पहले आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है किसी भी क्रॉप को सो करने से पहले जो हमारी सरकार है वो एक प्राइस इशू करती है, एक प्राइस, मिनिमम प्राइस इशू करती है कि जो आपकी क्रॉप होगी ना, उसका हम ये वाला मिनिमम प्राइस देंगे हार्वेस्टिंग के बाद में। तो बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो जितना भी क्रॉप पे खर्चा आता है उसका 50% ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए 1,000 रुपया खर्चा आ रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर MSP कितना देगी? 1,500 रुपये। तो 50% उसमें MSP ज़्यादा दिया जाता है। तो ये जो MSP है, ये अनाउंस होता है एट द बिगनिंग ऑफ सोइंग सीजन, मतलब कि क्रॉप को सो करने से पहले ही सरकार MSP अनाउंस कर देती है। और ये MSP किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अनाउंस किया जाता है? ये अनाउंस किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP की रिकमेंडेशन के बेसिस पे MSP जो है वो डिसाइड किया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर आगे अनाउंस किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर क्रॉप है, इस पर हम आपको हार्वेस्टिंग के टाइम पे इतना MSP देंगे। और MSP यूजली जितना भी क्रॉप पे खर्चा आता है उससे 50% ज़्यादा होता है, सो दैट कि फार्मर्स को थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो बेसिकली MSP अनाउंस किया जाता है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, सो दैट कि इन केस मार्केट में कॉमोडिटी के प्राइस एकदम से कम हो जाए, ऐसे ना हो ना कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे कॉमोडिटी के प्राइस एकदम से गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, फार्मर तो लॉस में चला जाएगा। तो इसीलिए जो सरकारें हैं वो MSP इशू करती है कि इन केस हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस गिरता भी है, तो फार्मर को उसका एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा, राइट। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था 1960-67 के टाइम पे, ये वीट की क्रॉप के लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो MSP था, फिर और क्रॉप्स भी MSP के अंदर आ गई, और करंटली अगर हम बात करें तो करंटली MSP के अंदर 23 कॉमोडिटीज़ आती है, जिसमें 7 सीरियल क्रॉप्स है। कौन कौन सी है? पैडी, वीट, बाले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। 5 पल्सेस की क्रॉप्स है, ग्राम, अरहर, तुर, मूंग, उर्द एंड लेंटिल। एंड 8 ऑयल सीड्स की क्रॉप्स है, जिसमें आ जाते हैं ग्राउंडनट, ट्रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सिसमम, सनफ्लावर सीड, नाइगर सीड, ये सारे आ जाते हैं। और इसके अलावा कॉपरा, रॉ कॉटन एंड रॉ जूट के लिए भी MSP जो है वो अनाउंस किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है MSP अनाउंस करने का? इसका मेन पर्पस है सो दैट कि अगर MSP पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, तो जो फार्मर्स है वो फार्म सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो क्रॉप है वो सिक्योर है, उस पर हमें इतना MSP मिलेगा ही मिलेगा, इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो फार्मर है वो फार्म सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। इसके अलावा फार्मर्स को मोटिवेशन मिलती है इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा फार्मर। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। अब
इन केस एमएसपी ना दिया जाता, अगर एमएसपी ग्रांटेड प्राइस जो फार्मर से दिया जाता है वो ना दिया जाता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में फार्मर्स जो है ना वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो जाते, फूड ग्रेन्स की जगह पे वो और क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा मार्केट है वहाँ पर फूड स्कार्सिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फार्मर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। फूड ग्रेन्स फार्मर तब ग्रो करेगा अगर उसको पता होगा कि हमारी सिक्योरिटी है, हमें एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा। तो अदरवाइज अगर कोई ग्रांटेड प्राइस दिया ही नहीं जाएगा तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर वो वाली क्रॉप्स ग्रो करेगा जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए वो फूड क्रॉप्स की जगह पे हो सकता है फार्मर कैश क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना लग जाए, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे फूड स्कार्सिटी हो जाएगी, प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो फार्मर है उनको एक ग्रांटेड प्राइस दिया जाता है, राइट। तो नीचे ये एमएसपी किस बेसिस पे फिक्स किया जाता है वो दिया हुआ है, इसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम पे। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या होती है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमएसपी से मिलती जुलती होती है, एमएसपी जैसी ही होती है, जैसे एमएसपी दिया जाता है वैसे ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होती है। लेकिन ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इंप्लीमेंट करी जाती है। जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है तो उस केस में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इशू करती है। और ये वाली जो स्कीम होती है ये लाई जाती है पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चर कॉमोडिटीज़ के लिए। किस केस में लाई जाती है, जब मार्केट प्राइसेस एकदम से गिर जाते हैं, जब मार्केट प्राइसेस कॉमोडिटी का एकदम से गिर जाता है, तो उस केस में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाने के लिए। तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। और ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इसको तब इंप्लीमेंट किया जाता है जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाए, 10% प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई या 10% डिक्रीज हो गई, या जो रेट है वो 10% बढ़ गए या कम हो गए, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाने को बोलती है। और ये वाली जो स्कीम लाई जाती है तो इसमें जो सेंट्रल और स्टेट का खर्चा आता है वो 50-50 होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में अगर हम बात करें तो 25% जो होता है वो सेंटर का होता है, 25% स्टेट का होता है और 75% सेंटर का होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइसेस की। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था 1966-67 में, लेकिन 68-69 में प्रोक्योरमेंट प्राइस जो था वो ख़त्म कर दिया गया था, वो इशू करना बंद कर दिया गया था। रीज़न क्या था, अब जो एमएसपी होता था, एमएसपी अनाउंस किया जाता था सोइंग सीजन से पहले, लेकिन ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है ना इसको अनाउंस किया जाता था हार्वेस्टिंग सीजन से पहले। अब क्रॉप ग्रो हो गई है, उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, तो हार्वेस्टिंग से पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस इशू किया जाता था। तो अब हार्वेस्टिंग से पहले अगर आप प्राइस इशू करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब फार्मर ने अपना खर्चा कर दिया है, उसके बाद अगर आप प्राइस कम भी इशू करोगे तो फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। इसीलिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था वो 1967-66 के टाइम पे ही आया था और 68-69 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद आ गया फिर एमएसपी, सिर्फ एमएसपी ही अभी इफेक्ट में है, एमएसपी इशू किया जाता है सोइंग से पहले। तो इसीलिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या होता है, अब देखो एफसीआई है, एफसीआई क्या करती है, एमएसपी पे क्रॉप्स को खरीदती है, ठीक है। फार्मर है, फार्मर मंडी में गया, जाकर उसने अपनी क्रॉप सरकार को बेची, तो वो जो क्रॉप है उसको कौन खरीदता है, उसको खरीदेगा एफसीआई। एफसीआई क्या करेगा, क्रॉप्स को कहाँ लेकर जाएगा, स्टोर करेगा। तो एफसीआई का जो खर्चा है, अब एक तो देखो वो एमएसपी पे खरीद रहा है, ठीक है, एमएसपी खरीद रहा है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उस पर आ रहा है, उसको गोडाउन्स में पहुंचा रहा है, स्टोरेज का खर्चा उस पर आ रहा है, फिर स्टोरेज के बाद फिर से उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, फिर वो जो क्रॉप है वो पहुंचती है ओपन मार्केट में, ठीक है, ओपन मार्केट तक पहुंचती है। तो इसके बीच में इतना सारा खर्चा जो एफसीआई का वो
आता है, ठीक है। अब MSP है, सपोज किसी पर्टिकुलर क्रॉप की हम बात करें, सपोज हम वीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। वीट है, किसी साल में जो वीट का MSP सरकार ने इशू किया है वो किया है 1500 रुपये, 1500 रुपये सरकार ने MSP इशू कर दिया। FCI क्या करेगा, FCI 1500 रुपये में ये जो क्रॉप है वो फार्मर से खरीद लेगा। लेकिन उसके बाद जो FCI है उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, स्टोरेज का खर्चा आएगा, फिर ओपन मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, और ये सारा खर्चा मिला के FCI का 500 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है। तो ये जो FCI है इसको कितने का पड़ जाएगा, ये FCI को पड़ जाएगा 2000 रुपये का एक क्रॉप, जो वीट की क्रॉप है ना, इसका जो पर क्विंटल रेट है वो 1500 रुपये था MSP जो था, लेकिन FCI को कितना पड़ रहा है, FCI को पड़ रहा है 2000 रुपये पर क्विंटल जो वीट का रेट है, ठीक है। क्योंकि उसने FCI में ओपन मार्केट तक उसको लेकर जाना है, स्टोर भी करना है कुछ टाइम के लिए, तो ये सारा खर्चा FCI के ऊपर आ जाता है। अब इस ये जो 2000 रुपया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, जितना भी खर्चा है MSP, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज करने के बाद फिर से ओपन मार्केट सेल्स के लिए जो क्रॉप को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, तो ये सारी मिला के जो टोटल कॉस्ट आ रही है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब होता क्या है, अब अगर इसी रेट पे FCI इसको ओपन मार्केट में बेच देगा तो उससे क्या है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हो जाएगी फूड ग्रेन्स में। तो लोग भी अब बोलेंगे कि भाई इतनी महंगी चीज़ें आप बेच रहे हो, तो इसके लिए FCI को क्या करती है, सरकार कुछ सब्सिडी दे देती है। FCI क्या करती है, FCI 1700 या 1800 रुपये में ओपन मार्केट में इस वीट को बेच देगी, 1700 या फिर 1800 रुपये में, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो 300 रुपया है ये FCI को घाटा हो जाएगा नहीं तो, तो ये 300 रुपया क्या है, ये सरकार देती है सब्सिडी। इस 300 रुपये को क्या बोलते हैं, फूड सब्सिडी, जो कि FCI का लॉस को कवर करने के लिए सरकार FCI को दे रही है। तो ये क्या है, ये है फूड सब्सिडी, इसको फूड सब्सिडी भी बोला जाता है। तो ये जो 1700 रुपये है ये क्या है, ये इशू प्राइस है। MSP कितना था, MSP था 1500 रुपये, और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है फूड ग्रेन्स की, 2000 रुपये। इसमें जितना भी FCI का खर्चा आया, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वो सारा मिला के 2000 आ गया। 2000 क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसमें 300 रुपये सरकार ने दे दी सब्सिडी, जिसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। तो FCI में 1700 रुपये में ओपन मार्केट में इसको बेच दिया, तो ये 1700 रुपये क्या है, ये है इसका इशू प्राइस, इसको बोलते हैं इशू प्राइस, राइट। तो ये है हमारा इशू प्राइस। नेक्स्ट वही टॉपिक है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसमें वही MSP आ जाता है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आई वो सारी मिलाकर जो पड़ती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर MSP 1 रुपये बढ़ता है, एक यूनिट अगर MSP बढ़ता है, तो उससे जो वीट की इकोनॉमिक कॉस्ट है वो 0.48 यूनिट बढ़ जाती है। तो 2019-20 में इकोनॉमिक कॉस्ट जो थी वीट की वो थी 35 रुपीज़ किलोग्राम, और राइस की थी 25 रुपीज़ पर किलोग्राम। और अगर हम 2010-11 की बात करें, तो 2010-11 में वीट की इकोनॉमिक कॉस्ट थी 20 रुपये और राइस की थी 15 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ये इकोनॉमिक कॉस्ट ले रखी है। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इशू प्राइस क्या है, MSP क्या है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। MSP में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, स्टोरेज का कॉस्ट आ रहा है, ये सारा मिला के जो फाइनल कॉस्ट बनती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसमें कुछ सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने के बाद जो जिस रेट पे फूड ग्रेन्स को बेचा जाता है उसको बोलते हैं इशू प्राइस, राइट। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, MSP इशू प्राइस एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में, राइट। अब इसके लिए अब इन्होंने देखा कि जो FCI है, FCI तो फिर ऐसे लॉस में चली जाएगी, सरकार सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी बढ़ती जाती है। तो ये सारे जो भी पंगे पड़ रहे हैं इसके लिए सरकार ने सोचा कि अब हम कोई कमेटी बनाएं, सो दैट कि ये जो सब्सिडी हम दे रहे हैं या इकोनॉमिक कॉस्ट है इसको हम थोड़ा कम कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी थी 2015 में, जिसके चेयरमैन थे शांता कुमार। अब ये वाली जो कमेटी सेटअप करी गई थी ये FCI को रीस्ट्रक्चर करने के लिए करी गई थी, सो दैट कि जो FCI की फंक्शनिंग है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हाई लेवल कमेटी सेटअप करी गई थी।
नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। अब फूड पहुंचा ओपन मार्केट में, अब ओपन मार्केट में जो फूड है वो किस रेट पे बिकेगा वो पहले प्री डिटरमाइंड होता है। ओपन मार्केट में जो वीट के प्राइसेस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड प्राइसेस होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन रिजर्व प्राइसेस होते हैं, फिक्स प्राइसेस होते हैं ओपन मार्केट में कि जो वीट है वो इसी रेट पे बिकेगा। अब ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है सो दैट कि फूड ग्रेन्स की जो मार्केट सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके, ओपन मार्केट प्राइसेस का जो इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा मॉडरेट किया जा सके, ऐसे ना हो कि ओपन मार्केट में चीज़ों के दाम एकदम से बढ़ जाए। अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट देखें तो उससे वो ज़्यादा पड़ जाती है, तो उससे क्या है फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को एक फिक्स बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ओपन मार्केट स्कीम लाई जाती है। सरप्लस स्टॉक को ऑफलोड करने के लिए इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ऐसे ना हो ना कि अगर ओपन मार्केट होएगी ही नहीं तो उस केस में क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स होंगे वो गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, सरप्लस स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। तो सरप्लस स्टॉक को ऑफलोड करता है ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले जो ओल्ड स्टॉक होता है, जो पुराना स्टॉक होता है उसको निकालती है, उसके बाद फिर नए स्टॉक की बारी आती है। सबसे पहले पुराना स्टॉक ओपन मार्केट में लाया जाता है, राइट। इसके अलावा इसके कुछ पॉलिसी स्टांसेस भी है ओपन मार्केट के, जैसे कि इसका जो रिजर्व प्राइस होता है ओपन मार्केट का वो एमएसपी से थोड़ा ज़्यादा होता है, एमएसपी से ज़्यादा होता है लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उससे थोड़ा कम होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, एमएसपी बता चुकी हूँ, रिजर्व प्राइस क्या होता है वो बता चुकी हूँ, ठीक है। तो रिजर्व प्राइस क्या होता है, रिजर्व प्राइस जो सब्सिडी देने के बाद जिस प्राइस पे ओपन मार्केट में चीज़ बेची जाती है उसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस, राइट। तो जो रिजर्व प्राइस होता है एमएसपी से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट से थोड़ा कम होता है, सो दैट कि जो बायर्स है वो वीट को मंडी से परचेज कर सके हार्वेस्टिंग सीजन में, ठीक है। एंड मार्केट जो है वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव भी बनी रहे। मार्केट प्राइस को लीन सीजन में मेंटेन किया जाता है। लीन सीजन कौन सा होता है, लीन सीजन होता है जो हार्वेस्टिंग सीजन, सॉरी जो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद वाला आता है, जैसे कि ऑफ सीजन हो गया। अब जब वीट की हार्वेस्टिंग होगी, एक तो वो हो गया, पीक सीजन हो गया, पीक सीजन के बाद जो सीजन होता है उसको बोलते हैं लीन सीजन। जब अब हार्वेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, ऑफ सीजन है अभी, तो उसको बोलते हैं लीन सीजन। तो लीन सीजन में भी मार्केट में प्राइसेस को मेंटेन किया जाता है इसमें, सो दैट कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना बड़े। फिर नेक्स्ट लास्ट में आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मार्च 2015 में गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस को कंट्रोल करना, स्पेशली पेरिशेबल एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। इसके अंदर दो क्रॉप्स थी, अनियन एंड पोटैटो की, क्योंकि जो आलू प्याज है वो तकरीबन हर घर में यूज़ होता है, बहुत ही असेंशियल है। तो इन दो क्रॉप्स के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो सेंट्रल स्टेट में इक्वल थी, 50-50 थी, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में 75% खर्चा सेंटर का था और 25% स्टेट का था, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बफर स्टॉक। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।